हेलो फ्रेंड्स, मैं कामना और कामना की रसोई में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मिलकर बनाएंगे बैंगन की बहुत ही चटपटी सी, यमी, टेस्टी और झटपट से बन जाने वाली सब्जी। तो इस बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए हैं बैंगन, हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक का एक टुकड़ा और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम बनाते हुए ही आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बैंगन को ना इस तरह से बीच में से एक कट कर लूँगी। इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे और उसके अंदर सेंटर में से हम फिर से उसे चार भागों में इस तरह से कट लगाएंगे। उसे हम पूरा नहीं काटेंगे बैंगन को, हम इस तरह से, देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमें बैंगन को कट करना है और बिल्कुल कोने से हमें उसे जोड़ के रखना है। आप चाहें तो बिल्कुल अलग अलग करके भी काट सकते हैं, बट मैंने इसी तरह से काटे हैं। और ऑयल को हम गर्म होने के लिए गैस पर रख देंगे। उसमें डाला है मैंने आधा चम्मच जीरा। जीरा को हल्के से भूनेंगे और फिर साथ ही में हम अपने बैंगनों को, ये मैंने धो के रख लिए हैं वॉश करके बैंगनों को, और अब हम इन्हें ऑयल में अपने एक साथ ही जीरे के साथ डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, एक दो दो चार सेकंड तक। थोड़ी देर हम इन्हें सॉफ्ट होने तक भूनेंगे, फ्राई करेंगे ऑयल में, और जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तब हमें इस तब तक ये हमारे सॉफ्ट होने तब तक हम अपने मसालों की तैयारी कर लेते हैं। चलिए मैं बता, देखिए ये लीजिए, एक कटोरी में मैंने लिया है एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। इन सब मसालों को हम पानी से, थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इन्हें मिक्स करके रख लेंगे। इस अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को पानी में और इन्हें हम साइड में रख देंगे। और अब हम वापस से अपने बैंगन की तरफ चलते हैं। उसके अंदर हम डालेंगे, ये मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को पीस कर लिया है, प्याज ऐड करेंगे। ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। और ये मैंने बारीक एक बड़े साइज़ का टमाटर कट किया था बारीक, और उसे भी डालेंगे। और ये अदरक का जो हमने टुकड़ा लिया था ना, उसे बारीक बारीक लच्छे में हमने काट लिया है, उसे भी ऐड करेंगे। और चार से पांच हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट के रखा था, उसे ऐड करेंगे। और एक चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। एक दो मिनट तक हम इसे पकने देंगे इसी में नमक के साथ, अपने मसालों के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड इसे अभी पकाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने अपने मसाले, ड्राई मसालों को पानी में घोल कर रखा था ना, वो सारे मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए। और अब हम इसे भी, ये जो सारे मसालों को अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर दिया, अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर तक, इसे भूनेंगे इस मसाले को अपने बैंगन के अंदर। एक साथ ही हमने सब कुछ डाल देना है बैंगन के अंदर ही, साथ में ही इसे भूनना है, अलग से हम मसाला नहीं भूनेंगे, सब कुछ साथ में ऐड कर देंगे। और अब हम साथ में डालेंगे, अब इसमें मैंने ये एक बड़े साइज़ का आलू कट करके रखा था छोटे छोटे पीसेस में, अब हम इसे आलू को भी ऐड कर देंगे और इसे भी एक दो मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल रही हूँ और अब इसे अच्छे से चलाकर मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे ना अब हम इसे 10 मिनट तक पकने देंगे, ढककर हम इसे रख देंगे। 10 मिनट बाद देखिए झटपट से फटाफट से बनकर तैयार हो गए बहुत सिंपल तरीके से हमारे आलू बैंगन की सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे आलू बैंगन की सब्जी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स, मिनटों में बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, बनकर रेडी हो गई हमारी फटाफट से चटपटी बैंगन की सब्जी। थैंक यू फ्रेंड्स।